दोस्तों, ये सवाल हर किसी के माइंड में आता रहता है। जब जब केस स्टार्टिंग होता है तो पति और पत्नी के माइंड में एक बात जरूर फिट होती है, सजा दिला के रहूँगी, सजा दिला के रहूँगा, बदला तो लेके रहूँगा, हरासमेंट तो करके रहूँगी। ये चीज़ें दोनों के माइंड में सवाल में आता है, मुझे कोई समझौता नहीं करना, मुझे ना कभी साथ रहना ना साथ रखना है। ये सिचुएशन हर किसी के साथ में होती है, हर किसी 90% के 95% जितने भी केसेज होते हैं उनके माइंड में एक बात हो जाती है, क्योंकि ईगो हर्ट हो जाता है और ये सवाल हर किसी के माइंड में आ जाता है। लेकिन इनका एंड क्या होता है वो पूरा आज मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकल आपको डिटेल एक्सपीरियंस के थ्रू बता देता हूँ कि इनका रिजल्ट होने वाला क्या है। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझ लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब जब आपका केस होता है, हस्बैंड और वाइफ का दोनों का केस होता है, तो सबसे पहले ईगो हर्ट हो जाता है एक दूसरे को। केस भी तभी होता है जब ईगो हर्ट होता है, पत्नी का ईगो हर्ट हो जाता है तो केस करती है, केस करने के बाद पति का भी ईगो हर्ट हो जाता है। सवाल माइंड में यही आता है कि साथ में जब उनकी काउंसलिंग वगैरह सब होती है तो साथ रहना नहीं चाहती, कि सबक सिखाना ही है, सबक सिखाना ही है। ये सवाल हर किसी के माइंड में आता है, लेकिन कोर्ट ये आपकी इच्छा पूरी करता भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप कहते हो कि मुझे केस का समझौता भी नहीं करना, ना साथ रखना ना साथ रहना, तो उस सिचुएशन में कोर्ट आपको अच्छे से हरासमेंट करता है। जब तक जो आपका ईगो अहंकार खत्म नहीं होता तब तक आपको तारीख पे तारीख ही मिलती रहती है। फैमिली केस के मैटर में फैमिली में कभी जज डिसीजन नहीं देते हैं, 99 फाइनल डिसीजन लेना होता है वो हस्बैंड और वाइफ को ही लेना पड़ता है। ये माइंड में आप बात फिट कर लेना कि आपका जो फाइनल जजमेंट पास होगा वो हस्बैंड और वाइफ को, और जो ईगो अहंकार वाले होंगे जो कि बदला लेंगे, जिंदगी भर केस चलाएंगे, ये मैक्सिमम 1 या 2 साल बाद में एहसास हो जाता है, इनको फील हो जाता है कि हमने केस गलत किया है या मुझे इसको कॉम्प्रोमाइजिंग करना क्या करना, एंड में आके समझौता पे आता है। कितनी ही बड़ी दुश्मनी कर लो तुम, थर्ड पार्टी कोई ना कोई बन के आपके बीच में समझौता ही कराता है। तो इस वजह से अपना माइंड को पहले से ही सेटअप रखो, पहले से ही ध्यान रखिए। वो 99% केसों में जो मामला कोर्ट तक चला जाता है वो कभी बचता नहीं है, उसमें टूट एंड ही होता है, द एंड होता है, साथ में कोई नहीं रह पाता है। तो उस सिचुएशन में आप यही कोशिश करिए कि भैया जो ईगो अहंकार है, जो भी घमंड आ रहा है, उसको साइड में रख लीजिए और उसका शॉर्ट आउट तरीका निकालिए कि जल्दी कैसे खत्म होता है, क्योंकि मनी टाइम वेस्ट आपका ही होना है, दोनों हस्बैंड वाइफ का पैसा मनी टाइम होना है। वकील होता है, अपना काम करता है भाई, अपना वकीलों का काम है अपना पेश केस लड़ना, आपका लड़ेगा, किसी का लड़ेगा, सबका लड़ेगा, उनका काम है, कोर्ट में रेगुलर चलता रहेगा, पुलिस का काम है, ड्यूटी पुलिस अपनी करती रहेगी, लेकिन मनी और वेस्ट टाइमिंग वेस्ट होना है वो आपका ही होना है। डिसीजन आपको पहले से पता होना चाहिए, ये पहले से कहीं जगह आपको मिल भी जाता है, मैं तो प्रैक्टिकल बताता भी रहता हूँ कि एंड में आपको कॉम्प्रोमाइजिंग में आना है। तो ऐसा शॉर्ट तरीका निकाले इस चीज़ का कि देखो, काउंसलिंग अगर आपकी बात बन रही है तो आप साथ रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। काउंसलिंग में हो सकता है कि कोई ईगो आर्ट वार पत्नी चली भी गई है, पुलिस थाने से कॉम्प्रोमाइज होकर आ रही हो तो अच्छी बात है, लेकिन मामला कोर्ट तक चला जाता है तो फिर कोर्ट भी नहीं चाहता, आप खुद भी नहीं चाहते हो कि हम दोनों एक साथ रहे। उस सिचुएशन में आपको वो वाले पॉइंट निकाले, वो कोई ऐसा अपने दिमाग को घुमाए, इस दिमाग को इधर मत घुमाइए कि इसका क्या, इसको सबक सिखाऊंगा, बदला लूंगा, ये कुछ नहीं होगा। आप 1 साल 2 साल 3 साल तक लड़ोगे इस जोश जोश में, बाद में आप एटोमिक लाइन पे आओगे, यार इसका कोई शॉर्ट आउट आओ, क्योंकि मेंटल हरासमेंट बहुत होता है इन केसों में, बार बार कोर्ट कचहरी से नोटिस आना, बार बार कोर्ट जाना वगैरह वगैरह, तो इसमें बड़ा मेंटल हरासमेंट होता है। तो इसका एक शॉर्ट तरीका निकालो, क्योंकि जब तक आप शॉर्ट तरीका नहीं निकालोगे तब तक आपका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कोर्ट का भी आपको सोल्यूशन देगा नहीं, आप लड़ते ही रहना, भगते ही रहना, कोर्ट कचहरी में कुछ भी नहीं मिलने वाला। इस वजह से आप ऐसे पॉइंट निकालिए, ऐसा कोई मेडिटेटर डालिए, ऐसा कोई थर्ड पार्टी इसमें डालिए कि आपका जल्दी से जल्दी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। और जो ये डिमांड नहीं करती महिलाएँ, 10 लाख 20 लाख 50 लाख ऐसा कोई नहीं देने वाला, ये माइंड में बात फिट कर लेना। जायज़ होगा, लीगल होगा, उतना ही दे पाएगा। जैसे हस्बैंड 5 साल के लड़ रहा है, उसको पता है कि 1 लाख 2 लाख खर्च होगा, तो 2 या 3 लाख भी दे सकता है ज़्यादा ज़्यादा, उससे ज़्यादा आपको नहीं देने वाला। तो ये आपकी फालतू की एलिगेशन, जो फालतू डिमांडें हैं वो कभी भी आपकी पूरी नहीं होने वाली, जो जायज डिमांड होगी वही पूरी होगी। और अपना टाइम और मनी को वेस्ट ना करें, क्योंकि आपको भी अगर आप सही सेटलमेंट नहीं कर पाओगे तो इस सिचुएशन में आपका ही लॉस होगा। तो इससे बेटर यही है कि आप दोनों बैठ के उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर लें, और एंड में आपका जो ईगो अहंकार वो खत्म हो जाएगा। डोंट वेरी, आप लोग जितना जोश में लड़ रहे हो वो जोश 1 या 2 साल में खत्म हो जाएगा, एंड होगा कॉम्प्रोमाइजिंग पे। इससे बेटर है पहले ही तरीका निकालो, पहले ही खत्म कर लो, अपना टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट ना करो, क्योंकि एंड सॉल्यूशन आपको खुद को करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप पहले ही कर लो ना भाई, पहले ही कर लो। राबी है आपके पैसा, मनी, टाइम दोनों ही है, तो लड़ते रहो कोई ना, कोर्ट तो 5 साल 10 साल 22 22 23 23 34 34 साल में फैसले आ रहे हैं, तो आप लड़ते रहिए, कोई फायदा नहीं है। लेकिन एंड फाइनल इसका डिसीजन यही
होता है कि आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। आई होप दोस्तों मैं एक मोटिवेशनल मैसेज और रिजल्ट आपको बताया हूँ, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा दोस्तों।